कॉमेडी के बादशाह राजू श्रीवास्तव हंसाते हंसाते दुनिया को अलविदा कह गए। यकीन करना मुश्किल है कि अपनी कॉमेडी से लाखों चेहरों पर हंसी लाने वाले राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। राजू श्रीवास्तव जहाँ भी जाते लोगों के जीवन में कॉमेडी से खुशियाँ भरने की कोशिश करते थे। अफसोस, जिन्होंने उम्र भर सबको हंसाने का काम किया, आज जाते जाते सबकी आंखों में आंसू देख गए। राजू श्रीवास्तव के निधन पर कपिल शर्मा ने एक पोस्ट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। भगवान हर किसी को हंसाने की कला नहीं देता और राजू श्रीवास्तव को इसमें महारत हासिल थी। राजू श्रीवास्तव कभी कभी तो अपने हल्के फुल्के जोक से बड़ी गंभीर बातें कह जाते थे। यही वजह थी कि कपिल शर्मा भी उन्हें अपने शो पर बुलाए बिना नहीं रह पाए। कपिल शर्मा और राजू श्रीवास्तव दोनों ही कॉमेडी के चैंपियन माने जाते हैं। राजू श्रीवास्तव संग फोटो शेयर करते हुए कपिल शर्मा लिखते हैं कि आज पहली बार आपने रुलाया है राजू भाई, काश एक मुलाकात और हो जाती, ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे, आप बहुत याद आएंगे, अलविदा। राजू श्रीवास्तव के साथ हंसती मुस्कुराती फोटो पर कपिल शर्मा ने ये बात लिखी है जिसने हर किसी को भावुक कर दिया है। आपको बताते चलें कि राजू श्रीवास्तव ने 2005 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया था पर शो नहीं जीत पाए थे। हालांकि उन्होंने अपने मज़ेदार जोक से हर किसी को खूब हंसाया। इसके बाद उन्होंने बिग बॉस और द कपिल शर्मा शो में भी परफॉर्म किया। टेलीविज़न के अलावा राजू श्रीवास्तव ने कई फिल्मों में भी काम किया है। उनका यही टैलेंट साबित करता है कि इंडस्ट्री में कॉमेडी के कितने ही सिकंदर क्यों ना आ जाएं, लेकिन राजू श्रीवास्तव की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। खैर, इस तरीके से राजू श्रीवास्तव हमें छोड़ करके चले गए। इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं।